और यहाँ पे आपको अहम खबर देंगे। नून लीग के MPA फैसल खान न्याजी ने इस्तीफा दे दिया है और फैसल खान न्याजी ने इस्तीफा परवेज इलाही को जमा करा दिया है। फैसल खान न्याजी का ताल्लुक नून लीग के 5 मुनहरिफ अरकान में होता है और उन्होंने कहा कि नून लीग की नशस्त से खुशी से इस्तीफा दिया है। ख्वाजा नसीर हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। ख्वाजा नसीर, अपडेट कीजिएगा। जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को पहला बड़ा झटका पंजाब असेंबली में लग गया है और ये पहला बड़ा झटका उस वक्त लगा जब मुस्लिम लीग नून के 5 मुनहरफ अरकान जो थे, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज से था, लेकिन गुज़श्ता 1 साल से वो मुस्लिम लीग नवाज से हट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठे हुए थे, उनमें से पहले रुकन फैसल खान न्याजी, जिनका ताल्लुक खानेवाल से है, उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले अपना इस्तीफा स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही को जमा करवा दिया है। फैसल खान न्याजी का ये कहना था कि उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज से जो टिकट लेकर मुंतखब हुए, आज उन्होंने उस टिकट का जो एहसान है वो उतार दिया है और मुस्लिम लीग नवाज से अब की सियासत से अब उनका कोई ताल्लुक नहीं रहा। इस वक्त वो इस्तीफा इस वक्त चौधरी परवेज इलाही, जो कि स्पीकर पंजाब असेंबली है, उनके पास पहुंच चुका है, जबकि चौधरी परवेज इलाही ने इस्तीफे की वसूल करते हुए ये बात कही है कि मुस्लिम लीग नवाज के कई मजीद इस्तीफे भी आने वाले हैं और मुस्लिम लीग नवाज जो कि फस्ताइयत और फाशिज्म के ऊपर मबनी सियासत कर रही है, अब इस सियासत की गुंजाइश सूबे में मजीद नहीं रह गई। सूबा आइन के मुताबिक हर सूरत चलेगा और आइन के मुताबिक चलाने के लिए वो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलकर जदोजहद कर रहे हैं ताकि गैर आइनी वजीर आला का रास्ता रोका जा सके। जी ठीक है, नून लीग को बड़ा झटका, पहले रुकनी पंजाब असेंबली ने इस्तीफा दे दिया है। नून लीग के MPA फैसल खान न्याजी ने इस्तीफा दिया, फैसल खान न्याजी ने इस्तीफा परवेज इलाही को जमा करवा दिया है। और यहाँ पे आपको अहम खबर देंगे। नून लीग के MPA फैसल खान न्याजी ने इस्तीफा दे दिया है और फैसल खान न्याजी ने इस्तीफा परवेज इलाही को जमा करा दिया है। फैसल खान न्याजी का ताल्लुक नून लीग के 5 मुनहरिफ अरकान में होता है और उन्होंने कहा कि नून लीग की नशस्त से खुशी से इस्तीफा दिया है। ख्वाजा नसीर हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। ख्वाजा नसीर, अपडेट कीजिएगा। जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को पहला बड़ा झटका पंजाब असेंबली में लग गया है और ये पहला बड़ा झटका उस वक्त लगा जब मुस्लिम लीग नून के 5 मुनहरफ अरकान जो थे, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज से था, लेकिन गुज़श्ता 1 साल से वो मुस्लिम लीग नवाज से हट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठे हुए थे, उनमें से पहले रुकन फैसल खान न्याजी, जिनका ताल्लुक खानेवाल से है, उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले अपना इस्तीफा स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही को जमा करवा दिया है। फैसल खान न्याजी का ये कहना था कि उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज से जो टिकट लेकर मुंतखब हुए, आज उन्होंने उस टिकट का जो एहसान है वो उतार दिया है और मुस्लिम लीग नवाज से अब की सियासत से अब उनका कोई ताल्लुक नहीं रहा। इस वक्त वो इस्तीफा इस वक्त चौधरी परवेज इलाही, जो कि स्पीकर पंजाब असेंबली है, उनके पास पहुंच चुका है, जबकि चौधरी परवेज इलाही ने इस्तीफे की वसूल करते हुए ये बात कही है कि मुस्लिम लीग नवाज के कई मजीद इस्तीफे भी आने वाले हैं और मुस्लिम लीग नवाज जो कि फस्ताइयत और फाशिज्म के ऊपर मबनी सियासत कर रही है, अब इस सियासत की गुंजाइश सूबे में मजीद नहीं रह गई। सूबा आइन के मुताबिक हर सूरत चलेगा और आइन के मुताबिक चलाने के लिए वो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलकर जदोजहद कर रहे हैं ताकि गैर आइनी वजीर आला का रास्ता रोका जा सके। जी ठीक है, नून लीग को बड़ा झटका, पहले रुकनी पंजाब असेंबली ने इस्तीफा दे दिया है। नून लीग के MPA फैसल खान न्याजी ने इस्तीफा दिया, फैसल खान न्याजी ने इस्तीफा परवेज इलाही को जमा करवा दिया है।